अनुत्तर देशना, जिस देशना के समान किसी तीर्थंकर के देशना नहीं हुई। ध्यान से शब्द सुनना और ध्यान से शब्द लोगों के पास पहुंचाना है। जो देशना 23 तीर्थंकरों के शासन में नहीं हुई, जो देशना भगवान ऋषभदेव ने नहीं दी, जो देशना भगवान पार्श्वनाथ ने दी नहीं दी, कि भगवान ऋषभदेव से लेकर तब पार्श्वनाथ तक के जितने तीर्थंकर हुए वो निर्वाण जाने के पहले मौन हो गए। किसी ने 15 दिन का संथारा लिया, किसी ने 1 महीने का लिया, किसी ने 8 दिन का लिया। आखिरी प्रवचन किसी तीर्थंकर का है तो केवल अगली बात सुन लेना है। जब भी तीर्थंकर अपने जीवन काल में प्रवचन करते तो पहले प्रहर में प्रवचन करते हैं। ये पहली बार है कि एक ऐसा तीर्थंकर परमात्मा हमें मिला कि जिन्हें 16 प्रहर 48 घंटे नॉन स्टॉप विदाउट पॉज अखंड वर्षा वर्षाई। अनुत्तर है, अद्भुत है, अनूठी है, नेवर बिफोर है ऐसी देशना। कल्पना करो तो भी रोमांच होता है कि निर्वाण कल्याणक के अंतिम श्वास तक, इस संसार के अंतिम श्वास तक वरदान बरसाने वाला परमात्मा और 48 आवर्स तक वर्षा वरदान वर्षा, जहां बैठ करके किसी को भूख नहीं लगी, नींद नहीं आई, क्या वो आनंद होगा? क्या वो वर्षा होगी? और ऐसे अनूठे वरदानों की आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर तक गौतम प्रतिपदा तक आपके आंगन में होने जा रहे हैं। आओ आपने इस आंगन को प्रभु महावीर का आंगन बनाए, राजा हस्तिपाल की रज्जुक सभा बनाए, धरती नहीं बदल सकती लेकिन भाव बदल सकते हैं, गति नहीं बदल सकती लेकिन मति बदल सकती है, और जिसके मति के अनुसार गति होती है वही सम्यक दृष्टि होता है। आओ एक समुशरण की अनुभूति में तन्मय हो जाए, प्रभु के अनूठे वरदानों में अनूठा बनकर के अनूठे भक्ति में तन्मय होते हुए यदि परम पिता का आखिरी शब्द नहीं सुन पाए, नहीं गा पाए, तो आपसे पूछता हूं, आपके संसारी पिता अंतिम बात बोल रहे हो और बेटा सुनने से इनकार करे तो उस बेटे को तुम क्या कहोगे? हेलो, जो बेटा अपने बाप का आखिरी शब्द सुनने से इनकार कर दे उसको आप क्या कहोगे? ये महावीर का आखिरी शब्द है, इसके बाद कोई शब्द महावीर के मुंह से है ही नहीं। जिस शब्द को गाते गाते, जिस ध्वनि को गाते गाते प्रभु कब निर्वाण पधारे ये तो केवल इंद्रभूति गौतम को पता चला, सुधर्मा स्वामी को तो पता लगने के लिए टाइम लगा। ऐसी अनुत्तर देशना की आराधना 12 अक्टूबर से आपके यहां शुरू हो रही है, 7:30 to 9:30। लेकिन आपने कब आसन लेना है? 7:25 को, 7:25 आप 7:30 बजे आओगे,
तब तक तुम्हें गाड़ी छूट जाएगी। जितने जल्दी आकर के आराम से आसन लगा करके बैठोगे, 10 मिनट पहले आकर के समय लेकर के बैठोगे और मजा आएगी। इंतजार करते हुए सुनोगे तो और मीठा लगेगा। 7:30 को आराधना शुरू हो जाएगी समोशरण की, और फिर समोशरण में बैठ करके विरथे का गान होगा, 27 गाथा का गान होगा, 29 गाथा तो जम्बो स्वामी के लिए, सुधर्मा स्वामी के लिए तो ओरिजिनल कितनी गाथाएं हैं, 27, तो 27 गाथों का विरुद्ध एक अनुष्ठान चलेगा। प्रभु के चरणों में बैठकर के प्रभु की भक्ति करने का आनंद कुछ और ही होता है। उस आनंद के लिए आओ अपने स्नेही जनों के साथ, अपने परिजनों के साथ, मत सोच।